इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी सहित दो बदमाशों को सियरहा से किया गिरफ्तार। असलहा व कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 16 फरवरी की रात बिलरियागंज थाने के पुलिस क्षेत्र के सियरहा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक से दो युवक आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख युवक बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाश पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक बदमाश 25,000 का इनामी निकला, जो एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश हुआ था, उसका साथी है जो भाग निकला था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर बदमाश हैं। ये दोनों एटीएम के पास रहते थे और बुजुर्ग महिला असहाय लोगों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड को बदलकर उसका क्लोन तैयार कर पैसे को निकाल लिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक असलहा व कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों में अमलेश गौतम दीदारगंज थाने के भादो गांव का तो वहीं विशाल गौतम उसी थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव का निवासी है। देखिए, ये पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्त पकड़े गए हैं और ये शातिर एटीएम फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीब लोगों को एटीएम के अंदर जाते हैं, उनका एटीएम या तो बदल लेते या एटीएम क्लोन कर लेते थे और फिर उसके माध्यम से ही उनका सारा पैसा पार कर देते। लोग इधर उधर घूमते रहते थे, हमारे एटीएम में से पैसा कहाँ गया। अभी एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ था और पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ में। उसके दूसरा साथी जो अमलेश था वो भाग गया था। वो ये जो दो पकड़े गए लोग हैं, इनमें एक अमलेश है और एक दूसरा उसका सहअभियुक्त है। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है, उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग एक दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं। और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो एटीएम की जो घटनाएं हो रही हैं, जो एटीएम में फ्रॉड करने वालों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है। देखिए, ये जो डिवाइस है उसके अंदर एक डिवाइस आती है और वो उसमें जहाँ एटीएम लगता है वहाँ फिट कर देते हैं और जब वो अपना कार्ड डालता है तो वो क्लोन हो जाता है। ये डिवाइस को निकाल के उसका जो है नया एटीएम कार्ड क्लोनिंग करके बना लेते थे। ये डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया कि कहाँ से ये कराते थे, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसे पकड़ा जाएगा। क्या इनका कोई गिरोह भी है सर? देखिए, D71 गैंग है डिस्ट्रिक्ट का, उसका ये मेंबर है और शातिर अभियुक्त है। सर, इनामी भी है क्या? हाँ, इस पर 25,000 रुपए का इनाम। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।